हेलो गाइस, वेलकम टू सोनिया ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने जा रही हूँ अच्छी पर्सनालिटी की विशेषताएं। तो गाइस, रिसर्च मैथडोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट मैथड है क्वेश्चनएयर, जिसे हम हिंदी में पर्सनालिटी कहते हैं। तो आज वीडियो के थ्रू हम देखेंगे अच्छी पर्सनालिटी की विशेषताएँ, यानी अच्छी पर्सनालिटी में क्या क्या विशेषताएँ होनी चाहिए। तो गाइस, पर्सनालिटी के उद्देश्य की पूर्ति एंड इसका उपयोगी होना अधिकतर उसके प्रश्नों के लक्षण पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। इस दृष्टि से बॉडी ने प्रश्नावली की निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है। जैसे उन्होंने कहा है कि क्या क्या सूचनाएं आवश्यक है या निश्चित करने के लिए विषय की आवश्यक है। नेक्स्ट है, यथासंभव स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति का कल्पना करना जिसके द्वारा आपको सूचना प्राप्त करना है। नेक्स्ट है, इस बात का निश्चय करना कि प्रश्नावली जिसे भेजी गई है उसमें किस प्रकार का सूचनाएं मांगी गई है जो कि वह प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट, ऐसे किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जिसका उत्तर देने में सूचनादाता को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपत्ति। नेक्स्ट, प्रश्नों की रचना इस तरह से होनी चाहिए कि जिससे उस किसी प्रकार की भूलभुलैया ना पड़े कि उसे किस प्रकार की सूचनाएं मांगी जा रही है, किस तरह का क्वेश्चन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रश्नावली को उत्तरदाता के लिए इतना सरल बना दिया जाए कि वह सूचनाएं दे सके, अपने मनोवांछित तरीके से वो इन्फॉर्मेशन आपको दे सके। नेक्स्ट है, प्रश्नों को तार्किक क्रम से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, लंबे प्रश्नों से बचा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रश्नों की रचना पक्षपात रहित होकर करनी चाहिए जैसे कि संबंधित उत्तर की ओर कोई संकेत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, प्रश्नावली यथासंभव संक्षिप्त हो। तो ये सारे विशेषताएं होनी चाहिए एक अच्छी प्रश्नावली के लिए। फिर मिलते हैं वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।